अभी तक हमने बजाज कूलर का अनबॉक्सिंग किया था, अभी हम अपने उषा जो है मॉडल नंबर स्टेलर 20SP2 20 लीटर का ये कूलर है, इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी क्या है और इसका अंदर का क्या क्या मटेरियल अपने को हम लोग को देता है। ये तो अभी हम इसे बॉक्स से इसके बाहर निकालेंगे। कूलर जो अपने बॉक्स से बाहर आ चुका है और लुक कुछ इसका इस प्रकार से है। इसको आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं। इसका साइड व्यू है, इसका बैक साइड और ये इसका फ्रंट साइड। सो गाइस अभी हम इसे चालू करेंगे और आपको जो भी इसमें फीचर्स जो भी रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसका पानी कहाँ से डालना है, कहाँ से आइस डालना है, कितना ऑन ऑफ का बटन जो है कैसे काम करता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। हम अपने कूलर को प्लग इन करेंगे और उसका देखेंगे कि ऑन ऑफ का कैसा स्विच का क्या फंक्शन दिया है और इसके हवा का भी मैं आपको फील करके आपको जिसका इसकी जैसी क्वालिटी रहेगी आपको मैं पूरा अच्छा रिव्यू बताऊंगा। और इसके वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी दे दी है, करीब 2 से 2.5 मीटर वायर है इसका लंबा, बाकी बहुत अच्छा दिया है, लंबा आप दूर दूर तक ले जा सकते हैं वायर को। सो गाइस अभी हमने इसे प्लग इन किया है, अभी हम इसे चालू करेंगे। यहाँ पे हमारा कूलर चालू हो गया है, यहाँ पे आपको स्पीड बता दूँ, यहाँ पे हमने हाई पे रखा है फिलहाल। हवा की स्पीड तो बोल सकते हो बजाज से कम है, बट जो स्पीड है बाकी बहुत अच्छी स्पीड है। ठीक है, हाई पे मीडियम एकदम लो पर रखा है, इधर दिख सकता है आपको। और यहाँ पे हमारा दे देता है बटन स्विंग का, यहाँ पे दिया है स्विंग का, ये रोटेट होगा आपका। और यहाँ पे स्विंग एंड पंप कूलिंग भी होगा रोटेट के साथ। और यहाँ पे सिर्फ ये पंप, ये मतलब सिर्फ कूलिंग होगा और इधर उधर आपको हवा नहीं आएगा, सिर्फ एक सीधा सीधा हवा आएगा। ये था आपको बटन का फंक्शन। बाकी यहाँ पे आपको पानी डालने का मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से डालना है। यहाँ पीछे दिया है ये, आप देख लीजिए, यहाँ से आप वाटर इंटेल यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं। और इससे अगर पानी ज़्यादा हो जाए आपको तो यहाँ से आपका पानी गिरने लगेगा अपने आप ही। और अगर आपको इससे पोंछना हो तो इसके यहाँ पे एक दिया है बटन, मतलब ये एक यहाँ पे पाइप होल टाइप का दिया है, इससे आप निकालेंगे इजीली निकलेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये निकालेंगे तो इसके अंदर जो भी पानी रहेगा ख़राब या आपको धोना रहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे मूवेबल है, यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, बस इसे सेफ इजीली निकालो। बाकी बजाज की जैसा ही फंक्शन इसमें भी दे दिया है, इसे निकाल के आप इसे वॉश करके रिटर्न लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा गंदा नहीं होगा। बाकी क्वालिटी की बात की जाए तो उषा ने बहुत बेहतरीन, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दी है और फिनिशिंग में तो लुक में बहुत अच्छा दिख रहा है। सो गाइस ये था हमारा उषा का कूलर जिससे हमने अनबॉक्सिंग किया। इससे पहले हमने बजाज का अनबॉक्सिंग किया था, तो दोनों ही ब्रांड अच्छे ही हैं, बट अगर हवे में बात की जाए तो बजाज का जो है
वो ज़्यादा तेज हवा देता है और उषा के मुकाबले। बाकी दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें खासियत यह है कि इसने ब्लोअर दिया है जो ना, भले ही कम दे रहा है हवा, बाकी बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है। बाकी आपको जो भी लेना रहे, कूलर दोनों ही बेहतरीन है, कोई इसमें इशू नहीं है। सो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे और भी ऐसी बेहतरीन अलग अलग टाइप्स के कूलर, एलईडी, हमारे हमारे पास बहुत सारे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आपको अगर और भी देखने रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।